हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन। आज की मेरी वीडियो है एमटीडीज पे। पाकिस्तान नेवी में एक पोस्ट थी एमटीडी की, अभी जो रिसेंटली 2023 में लोग भर्ती होंगे। एमटीडी से बनता है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। अब इसमें दो पोस्टें होती हैं। जब मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर आप भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बच्चों को ड्राइवर में डाल दिया जाता है और कुछ को टेक्नीशियन में डाल दिया जाता है। उसको कहते हैं एमटीटी, मतलब मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टेक्नीशियंस। अब ये किस तरह होते हैं, इनकी सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी चलते हैं एमटीडी की जॉब्स के बारे में। सबसे पहले साल में दो दफ़ा एमटीडी की जॉब्स आती हैं, एक दफ़ा अगस्त सितंबर में, दूसरी दफ़ा साल में इनकी आएगी अप्रैल और मार्च के अंदर। तो दो दफ़ा पोस्टें आएंगी। एमटीडी से बनता है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। इसी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, पेपर होगा, आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। लेकिन आपके पास एलटीवी लाइसेंस होना लाजमी है। एलटीवी लाइसेंस के बगैर आपको कभी भी एमटीडी की पोस्ट के लिए एक्सेप्टेड नहीं होंगे। जब आपका फ़िज़िकल हो जाएगा, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट जाके रिपोर्ट करनी होगी हमालिया में। हमालिया में आप 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आपको 1 साल का कोर्स करवाया जाता है मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको उसमें मतलब किसी के साथ लगाया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जो टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्नीशियन, उनके लिए ये चीज़ें, जो ड्राइवर्स हैं उनका नहीं होता। तो टेक्निकल मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट की वर्कशॉपें होती हैं उनके अंदर उनको भेजा जाता है, काम सिखाया जाता है। सिखाने के बाद उनको फर्दर यूटिलाइज किया जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान नेवी में कहीं भी उनको डिप्लॉय किया जाता है, उनकी पोस्टिंग आती है, ट्रांसफ़र आती है। इसी तरह उनका रैंक स्ट्रक्चर होता है, पहले 1 रेट 2 रेट, फिर वो लीडिंग बनते हैं, पेटी अफसर, चीफ पेटी अफसर, उसके बाद मास्टर चीफ पेटी अफसर, वो लोग बनते हैं। तो ये इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। पूरे पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जाता है, सारे बेनिफिट्स इनको दिए जाते हैं और इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर भी होता है। अच्छी जॉब है, बुरी नहीं है। तो लेकिन अब इनमें से कुछ बच्चे जो टेक्निकल होते हैं टेक्नीशियन में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में चले जाते हैं। तो ये इनका होता है तकरीबन, इनकी जो इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 29,000 से शुरू होती है, क्योंकि इनकी सैलरी टेक्निकल सेलर और दूसरे FMT से 1,1500 रुपये फ़र्क होता है। तो वो इनकी कैटेगरी की वजह से होता है, अदरवाइज कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान नेवी की सैलरी यूनिफॉर्म पर्सन के लिए सेम है। तो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझना आए, कोई भी क्यूरी हो, मेरे ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना प्लीज़, व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह मैं उसकी क्यूरीज भी किल कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।